अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोग्रामिंग करते हैं PABX TC 2000H मॉडल की, तो चलते हैं प्रोग्रामिंग पर। अस्सलाम वालेकुम। डीजा एक्टिवेशन और ऑटो अटेंड, ये प्रोग्रामिंग की वीडियो पहले मैंने बना के अपलोड की हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो मुझे कई लोगों ने कमेंट किया है कि इसमें जब हम बाहर से कोई कॉल आती है और उसको एक्सटेंशन नंबर पता नहीं होता है, वो ज़ीरो डायल करते हैं तो 801 नंबर जो ऑपरेटर का बना हुआ था, तो उस पर कॉल नहीं आती है। तो इसकी कॉल 801 पे नहीं आती है जी। जब आप ऑटो पे करते हैं तो इसकी कॉल जो आती है बाहर से, वो 802 पे आती है। उसमें एक ऑप्शन है कि आप सेकेंड ऑपरेटर भी साथ बना सकते हैं। तो सेकेंड ऑपरेटर बनाने के लिए आप उसको 801 पे बना दें सेकेंड ऑपरेटर, तो उस सूरत में जब 802 बिजी होगा तो 801 पे कॉल आएगी। दोनों पे मतलब है कि कभी एक पे कभी दूसरे पे आती रहेगी। और वैसे आम हालात में भी जो आपका ऑटो पे ना भी हो तो बाहर से जो कॉलें आती हैं वो ज़रूरी नहीं है, अगर आपने 801 को ऑपरेटर बना लिया तो उसी पे आती है। अगर 801 बिजी होगा तो 802 पे जाएगी, और ये अगर दोनों बिजी होंगे तो 3 पे जाएगी, और अगर ये तीनों बिजी हुए तो 4 पे जाएगी। ये हर सूरत में ये रोक नहीं सकते हम, ये उनका प्रोग्राम में फॉल्ट ही समझ लें या जो उन्होंने सॉफ्टवेयर जिस तरीके से बनाया है, उन्होंने कोई अपने मकसद के लिए किसी तरह बनाया है, लेकिन ये बाकी पैनासोनिक और बाकी एक्सचेंजों में ऐसा नहीं होता है, इसमें है। तो बेहतर यही होता है कि ऑपरेटर के पास आप दो सेट रखें, 801 और 802, तो उसमें आपकी कॉल फिर आगे ट्रांसफ़र नहीं होती, उनमें से कोई ना कोई तो उसको अटेंड करता रहता है। लेकिन दोनों को बिजी भी ना रखें, कोई ना कोई एक 801 या 801 दोनों में से एक जो है ना वो फारिग ही रखें, ताकि बाहर से आने वाली कॉलें उसी नंबर पे आती रहें। तो सेकंड ऑपरेटर बनाने का ही मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जब आपका आगे कॉल ना जाए, उसको रोकने के लिए 801 जो है ना उस पे जो है ना कॉल मतलब है कि चली जाए, सेकंड ऑपरेटर जो होगा वो 801। वैसे इसका डिफ़ॉल्ट में 802 ही होता है बाहर से, ये जब उसको करते हैं ना ओजीएम को ऑन करते हैं यानी ऑटो अटेंड पे करते हैं, तो फिर बाहर से जो कॉल आती है जब वो ज़ीरो डायल करते हैं तो 802 पे ही कॉल आती है। तो 802 बिजी होगा तो हम सेकंड ऑपरेटर बनाते हैं इस वक्त 802। तो ये पासवर्ड लगाएंगे *01 1 2 3 4#, *01 1 2 3 4#, पासवर्ड हो गया। फिर करेंगे *26 और एक्सटेंशन नंबर 801 और # अब ये 801 पे भी कॉल आएगी और 802 पे भी आएगी। वो इस सूरत में आएगी कि 802 मसरूफ़ होगा तो 801 पे आएगी, और अगर 802 मसरूफ़ नहीं होगा तो बाहर से अगर कोई कॉल करता है तो 802 पे आएगी कॉल। तो एक और दो बेहतरीन तरीका उसका यही है कि एक और दो दोनों ऑपरेटर के पास पड़े हों, तो फिर आप ऑटो पे भी करेंगे तो इन्हीं दोनों में से कॉल आएगी, और अगर ऑटो पे नहीं ऑपरेटर मोड पे भी रखेंगे तो इन दोनों में से ही कॉल कभी एक पे आएगी, या अगर दूसरे एक मसरूफ़ है तो दो पे आएगी, दो मसरूफ़ है तो एक पे आएगी। तो बेहतर तरीका उसका यही है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे तो लगता है कि मैंने कंप्लीट बनाई थी, लेकिन दो तीन बंदों ने कमेंट किया है कि जी वो हमारा मसला बना हुआ है, बाहर से जब हम कॉल करते हैं तो कॉल नहीं आती है ऑपरेटर पे। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि फिर अगर नहीं आता है वो 802 पे जाती होगी कॉल, 802 आपने या तो लगाया नहीं होगा या फिर कोई किसी और के पास पड़ा होगा, तो उस पर कॉल तो जाती होगी, लाजमी कॉल तो जाती है। तो बस अभी आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो बस अभी ये प्रोग्राम कर लें, इसको सेकंड ऑपरेटर जो है ना 801 के को बना दें, और फिर आपकी जो कॉल है वो मिस नहीं होगी, इन दोनों में से किसी ना किसी एक पे आती रहेगी। तो वीडियो ख़त्म हो गई है, छोटी सी वीडियो थी, तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हर किस्म के एक्सचेंजों के प्रोग्रामिंग रिपेयरिंग
आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, लिंक दे देता हूँ बल्कि, और उस पर आप बेशक कॉल करके मुझसे मशवरा कर सकते हैं। और कई लोग जो है ना मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन फिर मैं जब जवाब देता हूँ तो उसको वो नहीं देखते हैं कि मैंने उनको क्या मशवरा दिया है, तो दोबारा जो है ना फिर मुझे कमेंट कर देंगे सर जी ये जो है ना हमने आपसे पूछा था। तो जब वो कोई उसने ऐसे कमेंट की हो कि उसकी वीडियो बनानी पड़ जाए तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मसला वो ये होता है कि उसका उसकी वीडियो मौजूद होती है वहाँ पे, सिर्फ मैंने उसको लिंक भेजना होता है कि ये लिंक है, इसमें वीडियो है और ये आपका जो मसला है उसमें हल हो जाएगा। तो बस वीडियो ख़त्म करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।